Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Basin, and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish Ji, and I'm your host Meher Basin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish Ji. Hello Prem Ji, and welcome to the show. Thank you Meher, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And Prem Ji is here today especially to help all the viewers understand the remedies, because you have sent us the emails. And let's find out who sent us the first email for today. Aur Prem Ji, pehli email jo aayi hai. Prem Ji, this is from Shagufta Karamat. Date of birth is August 28, 1971. Place of birth is Laya, Punjab, Pakistan. Time of birth is 9 in the morning. She's married, has 3 kids, and has heart and lungs problems, unfortunately. She wants to know, when will her health get better? And when will she find success in her life? She follows you, she sees all your shows every weekend, and she wants remedies for herself. She's living in Canada though, but she's very concerned about her health and her financial problems. देखिए शगुफ्ता, अगर आप 28 अगस्त 71, इनका पंजाब पाकिस्तान का 9 बजे का सुबह का बर्थ है. इनकी कन्या लगन की कुंडली है और जिसमें इनकी तुला राशि है, वर्गो असेंडेंट है, मून साइन इनका लिब्रा है. कन्या लगन का लॉर्ड बुध होता है, जो सूरज बुध और शुक्र के साथ 12th हाउस में बैठा हुआ है. दशा पहले इनको केतु की चल रही थी 2011 से लेके जो कि लास्ट ईयर सितंबर तक रही है. केतु जो है कर्क राशि में नीच का बैठा हुआ है, तो कैंसर में केतु हो जाए तो मून जो है हमारे इम्यून सिस्टम, लंग्स को, हमारे हार्ट को, सर्कुलेशन को भी कंट्रोल करता है. अब दशा इनकी पिछले साल सितंबर से शुक्र की स्टार्ट हो गई है, जो कि पॉजिटिव टाइम है इनकी लाइफ का 20 ईयर्स के लिए. जैसे ही वीनस में, वीनस अभी चल रहा है, जैसे ही वो सूरज में जाएगा 2022 के बाद, फिर इनका जो लाइफ का टाइम है वो काफ़ी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा. फाइनेंशियल चीज़ों में भी, हेल्थ में भी जी, ओवरऑल सभी चीज़ों में पॉजिटिव इम्पैक्ट आने शुरू हो जाएंगे. थैंक यू प्रेम जी. सो एनी थिंग एल्स यू रेकमेंड फॉर हर टू डू? देखिए इनको एक एमरल्ड पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का, अपनी लिटिल फिंगर में गोल्ड के अंदर, बुधवार के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे जो है लग्नेश लॉर्ड स्ट्रांग हो जाए. बुध जो है, बहनें बेटियां कन्याएं होती हैं तो उनकी हेल्प करनी चाहिए, लड़कियों के किसी यू नो ऑर्गेनाइजेशन में या किसी शेल्टर में जहां पे उनको पढ़ाया जाता है, वहां पे अगर एवरी ईयर ये डोनेट करें तो काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएगा. थैंक यू प्रेम जी. सो प्रेम जी इज एडवाइजिंग यू दैट डोंट वरी, योर हेल्थ एंड एवरीथिंग एल्स विल इम्प्रूव एंड यू शुड बी ब्लेस्ड विद वेरी गुड सक्सेस इन बिजनेस एंड इन हेल्थ. और अगली मिल जाए है प्रेम जी, दिस फ्रॉम सतविंदर सिद्धू. Date of birth is June 6, 1953. Place of birth is Kokri Kalan, India. Time of birth is 12 at night. He generally wants your opinion for his health and future, and if you foresee any problems. देखिए सतविंदर सिद्धू, अगर आप June 6, 1953, इनका कोरी कला, इनका रात के 12 बजे पंजाब का बर्थ है. इनका कुंभ लगन है जिसमें इनकी मीन राशि है, एक्वेरियस असेंडेंट है, मून साइन पाइसिस है. एक्वेरियस का लॉर्ड होता है शनि. शनि जो है इनकी कुंडली में 8th हाउस में अपनी हेडक्वार्टर में बैठा हुआ है. दशा सूरज की चल रही है 2013 से, जो कि इस साल अगस्त में ख़त्म हो जाएगी. सूर्य शनि जो है शत्रु होते हैं. फिर उसके बाद सूरज के बाद जो है इनको चंद्र की दशा आने वाली है, जो कि इनका लाइफ का बेसिकली 10 साल के लिए टाइम काफ़ी फेवरेबल है, जो कि इस साल अगस्त से शुरू हो जाएगा. मून इज सिटिंग इन द मनी एरिया, पैसे के लिए ठीक रहेगा, लेकिन हेल्थ को लेके, क्योंकि शनि लॉर्ड है, चंद्र शनि विश योग करते हैं, तो थोड़ी एंग्जाइटी, बोन्स को लेके थोड़े इश्यूज बने रहेंगे, बट फाइनेंशियली थिंग्स विल वेरी इंप्रूव एक्चुअली. सुप्रीम जी, एनी रेमेडीज यू रेकमेंड? देखिए शनि लॉर्ड है तो इनको क्या है कि एक ब्लू सफायर पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का, सिल्वर के अंदर अपनी मिडिल फिंगर में, सैटरडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे जो है लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा. और लॉर्ड शिवा की पूजा करें, शिवलिंग पे मिल्क और वाटर चढ़ाएं, और मंडे के दिन वेजिटेरियन रहें तो चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हो जाएंगी. थैंक यू प्रेम जी. सो प्रेम जी इज गिविंग यू वेरी सिंपल रेमेडीज. डू द शिव जी की पूजा एंड अलॉन्ग विद दैट स्टे वेजिटेरियन एंड डू द अदर रेमेडीज एट प्रेम जी स्टूडियो एंड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड. थिंग्स शुड इवेंचुअली वर्क आउट फॉर यू. और दोस्तों वक्त आ गया फॉर अस टू बिगिन विद द वीकली हॉरोस्कोप. सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट डज एरीज होल्ड फॉर दिस वीक. सो प्रेम जी, व्हाट आर द प्रेडिक्शंस फॉर एरीज फॉर दिस वीक?
एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए काफ़ी डाइवर्स रिजल्ट्स मिलेंगे आपको इस वीक के अंदर। कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा आपके काम के ऊपर भी, थोड़ा केयरफुल रहिएगा जब भी आप अपने सुपीरियर से डील करते हैं, और जो लोग बिजनेस में अपने आप को एंगेज करके रखिएगा, नहीं तो बिजनेस में भी नुकसान हो सकता है। टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके लिए इस वीक के अंदर। आपका काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक रहेगा, ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग रहेगी थ्रू आउट दिस वीक के अंदर, और आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे जो भी आपकी ग्रोथ होगी, जो आपके फाइनेंसेस में आपके अलाउंसेज में काफ़ी बड़ा फ़ायदा होने वाला है, और कुछ लोगों की बहुत बड़ी प्रमोशन भी होगी इस वीक के अंदर। जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए काफ़ी एक्साइटिंग वीक है आप लोगों के लिए, आपको रिकॉग्निशन मिलेगी जो भी आपने एफर्ट्स पास्ट में लगाए हैं अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट के अंदर। आप स्ट्रिक्टली थोड़ा अवेयर रहिएगा स्पेकुलेशन से, जो लव मैटर्स खास करके थ्रू आउट दिस वीक के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको मॉडरेट रिजल्ट्स मिलेंगे अपने करियर के अंदर। कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए टेस्टिंग रिजल्ट्स मिलेंगे आपको इस वीक के अंदर, आपको काम के लिए ट्रैवल भी करना पड़ सकता है जो कि एकदम से आपके लिए आ जाएगा। आप इंजॉय करेंगे कंपनी रिलीजियस लोगों के साथ या वेल एजुकेटेड लोगों के साथ इस वीक में। प्लैनेट जो है आपको थोड़ा बायस भी रखेंगे जो भी आप डिसीजन लेंगे, जिसकी वजह से आगे चल के आपको थोड़ा प्रॉब्लम भी आ सकता है, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। थैंक यू प्रेम जी। और दोस्तों वक्त आ गया फॉर अस टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, बट बिफोर वी गो इफ यू वॉन्ट प्रेम जीज हेल्प एंड रेमेडीज ईमेल अस एट prem@premjyotish.net। सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish Ji. And Prem Ji is here today. He has taken his time out to help all the viewers who've written in to finding out the remedies for the problems you are facing. So let's find out who sent us the next email. Or Prem Ji, agli email jai hai. Prem Ji, this is from Jura. Date of birth is May 31st, 1966. Place of birth is Mumbai. Time of birth is 8:04 in the morning. She wants to know about when would the parents be coming to join and rather live with her. Her second question is, what are the prospects for the career? Because she is in a stable job, but she wants to do something better, like something into consulting. And her third question is that she's been online dating for a long time. She was married and then she got annulled in 2001. She lived together for a few weeks. She also had an Ark Viva in 2012 when she was visiting India. And now she wants to know that what is it she needs to do to get settled down in life. देखिए जूरा, अगर आप 31st May 1966 मुंबई, इनका 8:04 का सुबह का जन्म है, इनकी मिथुन लगन की कुंडली है और जिसमें इनकी तुला राशि है जेमिनाई, एसेंडेंट है मून साइन इनका लिब्रा है। जेमिनाई का लॉर्ड होता है मरकरी, जो इनकी कुंडली में सन मार्स और राहु के साथ बैठा हुआ है 12th हाउस के अंदर। शी इज़ अ वेरी स्ट्रांग मांगलिक टू। एंड दूसरा इनका जो जुपिटर है गुरु जो है मिथुन राशि में वो थोड़ा वीक है। जुपिटर मेल प्लैनेट है, ग्रैंडफादर, फादर, ब्रदर, हस्बैंड एंड द चाइल्ड टू। एंड चंद्र जो है राशि लॉर्ड है, चंद्र भी बुध का शत्रु है, गुरु जो है फादर है, चंद्र मदर है, तो इसीलिए पेरेंट्स से भी इनकी जो है हारमनी इतनी नहीं रहती रिलेशनशिप एरिया के अंदर। दशा शनि की चल रही है, अब शनि में गुरु का ट्रांजिशन चल रहा है जो कि नेक्स्ट ईयर मार्च तक बहुत स्ट्रांग है। यही एक टाइम है जिसमें इनकी पर्सनल लाइफ फिर से सेटल हो सकती है अगर ये अपने ग्रहों को रेक्टिफाई कर लेंगे। सो हाउ कैन शी डू दैट पेंजी? एक इनको एमरल्ड पहन के रखना चाहिए 5-6 कैरेट का, अपनी लिटिल फिंगर में गोल्ड के अंदर सुबह 7-8 बजे के बीच में पहने, जिससे लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए। और गुरु को स्ट्रांग करने के लिए जितना इनका वजन है 1/10 उसका ले लें, और उसकी जो चने की जो स्प्लिट दाल होती है वो थर्सडे के दिन किसी भी रिलीजियस प्लेस में डोनेट कर दें एवरी ईयर अपने बर्थडे के बाद। एंड पर्सनल लाइफ को और भी पॉजिटिव करने के लिए इनको जाके टेंपल में से किसी लॉर्ड कृष्णा से फेरे लेने चाहिए, या कुंभ विवाह जिसे वो करना चाहिए, जिससे जो है रिलेशनशिप पे जो नेगेटिविटी है वो भी इनकी ख़त्म हो जाएगी फिर। थैंक यू प्रेम जी। सो प्रेम जी इज एडवाइजिंग यू दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर यू, ऑल यू नीड टू डू इज डू द कुंभ विवाह वन मोर टाइम, बट मेक श्योर दैट यू डू इट इन अ टेंपल, यू डोंट नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पीपल देयर, जस्ट मेक श्योर दैट यू डू गेट मैरिड बिफोर यू एक्चुअली गेट मैरिड, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अगली मेल जो आई है प्रेम जी, दिस फ्रॉम एस गुप्ता। डेट ऑफ बर्थ इज 3rd March 1979, प्लेस ऑफ बर्थ इज सतना मध्य प्रदेश, टाइम ऑफ बर्थ इज 10:10 इन द मॉर्निंग। दे आर ट्राइंग टू हैव अ सेकेंड चाइल्ड एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट शी इज नॉट अनएबल टू conceive. Even if she does conceive, she's been having miscarriages, so she wants to know when is it that they will be blessed with another child, and any remedies that you recommend.
देखिए मिस एस गुप्ता, अगर आप 3 मार्च 79 इनका सपना मध्य प्रदेश में 10:10 सुबह का जन्म है, इनकी मेष लगन की कुंडली है और जिसमें इनकी मेष ही राशि है, एरीज असेंडेंट है और एरीज ही इनका मून साइन है। एरीज का लॉर्ड मंगल होता है, मंगल लाभ स्थान में है, विच इज़ वेरी वेरी गुड, जो करियर और फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा करता है। फिफ्थ हाउस होता है जो हमारे बच्चों का एरिया देखा जाता है, वहाँ पे शनि और राहु बैठे हुए हैं। शनि बैठ जाए डिले करता है, लेकिन राहु बैठ जाए तो परेशानी क्रिएट करता है। 2014 से राहु दशा स्टार्ट होगी जो कि 2032 तक रहने वाली है। राहु जो है मंगल को सपोर्ट करता है, तो फाइनेंशियली चीज़ों में कोई नेगेटिव नहीं करेगा, बट जैसे ही बच्चे के टाइम में फिर वो किसी तरह 3 महीने या 3rd मंथ से पहले पहले कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। बट द बेस्ट पार्ट इज़ इस साल राहु शनि में चला जाएगा मार्च के बाद से, दैट्स द टाइम सैटर्न एंड राहु मिलके फिर थोड़े पॉजिटिव हो जाते हैं, तब इनके जो है उस टाइम के बाद मार्च के बाद इनको इस चीज़ के लिए ट्राई करना चाहिए और इसमें इनको 100% सक्सेस मिलेगा। सो व्हाट कैन शी डू इन द मीन टाइम टू मेक श्योर दैट शी डज गेट सक्सेसफुल? देखिए एक इनको कोरल बैन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी रिंग फिंगर में गोल्ड के अंदर, ट्यूसडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने। राहु को शांत करने के लिए एक 50 ग्राम का सिल्वर एलिफेंट ले, उसको गंगा जल ग्लास जार में डालें, उसमें सिल्वर एलिफेंट डाल के उसको बंद करके अपने रूम में रख दें जो कि 2032 तक रहना चाहिए, ताकि राहु का जो प्रभाव है वो शांत हो जाएगा। और हनुमान चालीसा ये रोज़ करें और उनके पैरों में सिंदूर चढ़ाएँ, तो ओवरऑल लाइफ बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएंगे। Thank you, Prem ji. So like Prem ji is advising you that yes, continue trying because eventually you shall be blessed with a baby. Also, you need to do the remedies that he has told you, Hanuman ji ka chalisa, along with that the silver elephant with the tusk up in a glass jar, shut the lid and put it where your temple is, and hoping for the very best for you. Aur dosto, ab waqt aa gaya for us to continue with the weekly horoscope. So let's find out the predictions for Leos for this week. So Prem ji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए इस वीक में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, आपको अटेंशन देनी चाहिए हर एरिया के लाइफ के अंदर, थोड़ा केयरफुल रहिएगा क्योंकि छोटी मिस्टेक भी आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। यू नीड टू वेरीफाई योर एक्टिविटीज़ बिफोर, जो भी आप अपने सुपीरियर या अपने बॉस के साथ कोई भी बात करते हैं, कुछ लोग आपकी पेशेंस को टेस्ट करेंगे खास करके फॉल्स एलिगेशन के साथ, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर आपको मिक्स रिजल्ट्स मिलेंगे, सक्सेस मिलेगा आपको अपने काम के ऊपर चीज़ों को कंट्रोल करते समय, और करंटली जो ये वीक है आपके लिए फेवरेबल है अगर आप किसी तरह का लोन या अगर आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। काम के ऊपर थोड़ा फोकस बना के रखिए क्योंकि टेक्निकल चीज़ों में शायद आपको कोई चीज़ एरर हो सकता है जिसमें चीज़ें आपको फिर से भी करनी पड़ सकती हैं। लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर मॉडरेट रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, ये इस हफ्ते के अंदर आप काफ़ी इनएक्टिव और लथार्जिक रहेंगे, पोस्टपोन कर दीजिए इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटीज़ है रिगार्डिंग योर करियर, काम का जो स्ट्रेस है सीरियस जो कॉन्सिक्वेंसेज आपके काम के ऊपर हो सकते हैं, और थोड़ा केयरफुल रहिएगा काम के ऊपर, बट पैसे के लिए आपको सडनली गेन हो सकता है खास करके अपने किसी रिश्तेदार से। एंड स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर आपको रिफ्रेशिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, आप इन्वेस्ट करेंगे एक फिक्स एसेट के अंदर जिससे आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है फ्यूचर के अंदर, आपको ऐसा प्रोजेक्ट दिया जाएगा जिसमें चैलेंज मिलेगा एज पर जैसे आप विश करते हैं, और प्लंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिससे आप अपनी एबिलिटीज़ को प्रूव भी करेंगे इस वीक के अंदर। थैंक यू प्रेम जी, और दोस्तों वक्त आ गया फॉर अस टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, बट डोंट वरी, प्रेम जी विल बी हियर आफ्टर द ब्रेक टू हेल्प द व्यूअर्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग वाया द ईमेल्स दैट यू सेंड। सो टाइम नाउ फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, सी यू सून। Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish ji, and Prem ji is here today to make you all understand the problems that you're facing by the remedies and suggestions that he's fantastic at. So wishing you all the very best. So let's find out who sent us the next email. Aur Prem ji, agli mil jaye hai. Prem ji, this is from Fatima Begum. Her date of birth is 9th Feb 1982. Place of birth is Medan, Indonesia. Time of birth is 2 in the morning. She wants to know about her career. She's not been able to get ahead in her career life and she's not even financially independent. She wants to know when is it that she'll be able to advance in her career. Unfortunately, she is divorced and wants to know that when is it that she may find an
another life partner or there are no chances for her. Fatima Begum, February 9, 1982, inka maidan, Indonesia, mein 2 baje raat ka janam hai. Inka Scorpio ascendant hai, moon sign inka Leo hai. Vrishik lagan hai, isme inki singh rashi hai. Vrishik lagan ka Lord Mangal hota hai, jo inki kundli mein shani ke saath labh sthan mein baitha hua hai. Jo finances ke liye theek hota hai, lekin personal life mein wo itni harmony nahi leke aata, kyunki Mars jo hai harmony ka bhi lord hai. Shani ke saath baith jaye to hamesha anxiety aur negative atmosphere rehta hai. दशा इनको चंद्र की चल रही है जो कि 2013 से शुरू हुई है जो कि 2023 दिसंबर तक रहने वाली है और चंद्र जो है शनि के घर में है तो विषयोग हो गया तो इसलिए मून इज माइंड तो वो एक रिलेशनशिप में भी इंटरेक्शन नहीं रहता और ना ही ऐसे लोग मिलते हैं जिससे लाइफ में पॉजिटिविटी आती है तो जैसे ही 2023 दिसंबर में चंद्र दशा खत्म होगी इनकी मंगल की दशा स्टार्ट होगी दैट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ हर लाइफ उसके बाद इनकी शादी भी फिर हो जाएगी और प्लस इनकी लाइफ में फिर आगे पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आने वाले सो प्रेम जी एनी रेमेडीज यू रेकमेंड फॉर हर टू डू देखिए इनको एक कोरल पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी रिंग फिंगर में ट्यूजडे के दिन गोल्ड के अंदर सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने जिससे जो है लग्नेश लॉर्ड जो है इनका स्ट्रांग हो जाए एंड शनि को शांत करने के लिए क्योंकि मंगल को ख़राब करता है तो उसके लिए मस्टर्ड ऑयल में फेस की रिफ्लेक्शन देखें सैटरडे के दिन उसको किसी स्टील बाउल में डालें फिर चेहरा देख के उसमें एक लौंग डाल के बाहर किसी पेड़ या पत्थर पे गिरा दें तो शनि छाया भी हट जाएगी Thank you, Prem Ji. So, Prem Ji is advising you that you do need to do these remedies, making sure that you stay vegetarian, stay positive, and things should definitely be working out for you. But just be patient about it. Or, agli email jo hai, Prem Ji, this is from Ritesh Verma. Date of birth is April 29, 1980. Place of birth is Delhi. Time of birth is 1:40 in the evening. She's been living in the USA for the last 10 years and still waiting for her green card. She's been having major health issues for the last 2 years, including depression. So are there any solutions that you recommend for her with her health? And also, when do you think she will get her green card? Dekhiye, Ritesh Verma, agar aap 9th April 1980 दिल्ली इनका 1:40 दोपहर का जन्म है इनका लियो असेंडेंट है मून साइन लिब्रा है सिंह लगन है इनका और तुला राशि है इनकी नाम भी राशि के ऊपर ही है जी सिंह लगन का लॉर्ड सूरज होता है वो भाग्य स्थान में बुध के साथ बैठा हुआ है सूरज जो सरकारी कामों में इन चीज़ों में पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है दशा शनि की चल रही है 2015 से लेके 2034 तक रहने वाली है अब शनि शत्रु होता है सूरज का तो वो चीज़ों में नेगेटिव इम्पैक्ट करके लेके आता है तो काम में सरकारी कामों में बाधा आनी शुरू हो जाती है अब शनि बुध में चल रहा है जो कि पिछले साल मई से शुरू हुआ है जो कि 2021 जनवरी तक रहने वाला है तो बुध जो है सूरज के साथ ऑलरेडी बैठा हुआ है तो दिस इज़ द टाइम लाइन 2021 मार्च तक इनके जो पेपर वर्क की जो सेटलमेंट की जो है चीज़ें पॉसिबल है क्योंकि शी इज़ ऑलरेडी इन टू दैट ट्रांजिशन कुंडली में गुरु राहु एक साथ बैठे हुए हैं तो गुरु राहु चंडाल हो गए शनि और मंगल भी साथ में है तो गुरु राहु हो जाए तब भी आदमी इमोशनली स्टमक और एंग्जाइटी काफ़ी एंग्शियस नेचर रहती है और कामों में भी काफ़ी डिले आता है लाइफ के अंदर सो देन प्रेम जी व्हाट वुड यू रेकमेंड फॉर हर टू डू टू मेक श्योर दैट हर लाइफ कम्स बैक ऑन द पाथ हेल्थ इज बेटर एंड शी गेट्स अ ग्रीन कार्ड सूरज को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए इनको उसके लिए इनको एक रूबी पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी रिंग फिंगर में गोल्ड के अंदर सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने गुरु राहु चंडालियों को ख़त्म करने के लिए राहु को शांत करने के लिए गंगा जल सुबह नहाने से पहले थोड़ा सर पे डालें और गुरु को तेज करने के लिए इनको होमलेस लोगों को साल में 2 बार थर्सडे के दिन किसी भी शेल्टर में खाना खिलाना चाहिए जिससे जो है ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएंगे Thank you, Prem Ji. So, Prem Ji is advising you that try and work out and help out the homeless people in the shelter. Whether you go give them food, you spend time with them, or donate clothes to them, besides the other remedies, and you should see a good difference happening in your life. Aur dosto, waqt aa gaya for us to continue with the weekly horoscope. So, let's find out the predictions for Sagittarius. So, Prem Ji, what about Sagittarius for this week? Sagittarius, yani dhanu rashi walo ke liye, dekhiye, arrival of visitor aayenge family ke andar, jiski wajah se kafi चीयर आ जाएगा आपकी लाइफ के अंदर अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा अटेंशन दीजिएगा रिजल्ट्स जो हैं इस हफ्ते के अंदर काफ़ी अच्छे आने वाले हैं अपने आप को स्पिरिचुअल प्रस्यू की तरफ भी लेके जाइएगा जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस होगी और पॉजिटिव चेंजेस आएंगी आपकी लाइफ के अंदर कैप्रिकॉर्न कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर काफ़ी प्रेशर बना रहेगा अपने काम के ऊपर और आपके जो सुपीरियर लोगों के साथ थोड़ा एनिमोसिटी वाला एटमोसफेयर भी क्रिएट हो जाएगा आपको काफ़ी जगह पे मिसजज किया जाएगा स्पेशली अपने कुलीग्स और के साथ और फियर ऑफ
है कि आप अपनी रेपुटेशन को भी लूज कर सकते हैं और इंक्रीज होगा रेवेन्यू का, पैसे के लिए काम आपका ठीक जाएगा. जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी अंडर परफॉर्म करेंगे इस वीक के अंदर. एक्वेरियस, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, ग्रोथ होगी आपके फाइनेंशियल स्टेटस के अंदर. सडन डिसीजन लेंगे आप अपने करियर को कुछ चेंज करने के लिए. इमोशनली थोड़ा रहेंगे आप. मोस्ट ऑफ द जो आपके थॉट्स और जो एक्शंस हैं वो आगे चल के आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा देने वाले हैं. इस वीक के अंदर सक्सेस मिलेगा थ्रू आउट. आपको एजुकेशन में भी फ़ायदा होगा, प्रॉफिट मिलेगा किसी सेल ऑफ लैंड के अंदर आपको. पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, काफ़ी कमेंडेबल वीक रहेगा आपके लिए. अप्रिशिएट किया जाएगा आपके नॉलेज और एक्सपीरियंस को. काफ़ी इम्पल्सिव रहेंगे अपने थॉट्स और अपने एक्शंस को लेके. लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे. जो लोग इंडिपेंडेंट बिजनेस में वो काफ़ी फ्लरिश करेंगे. जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं. Thank you, Prem ji. You came to the show, you took out your time and helped all the viewers understand the problems that they are facing with the wonderful suggestions of the remedies given by you. Aur dosto, if you have any questions related to your health, wealth or family life, email us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhaseen along with Prem ji saying namaste. See you next week.